आईटीआई यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखिए फीस की अगर बात किया जाए कि कितना फीस लगेगा काउंसलिंग के लिए, तो अब यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलेज को चॉइस करना है। कॉलेज कैसे चॉइस करना है उसका वीडियो हम बना दिए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं काउंसलिंग के पास, ठीक है। काउंसलिंग हम किए, सबसे पहले हमने कॉलेज चॉइस किए। कॉलेज चॉइस करने के बाद ये पोजीशन दिखाया कि आपका रैंक ये है, पोजीशन ये है, ठीक है, ये सब दिखाया। अब आपको क्या करना है, काउंसलिंग फ़ी यहाँ से पे करना है, ठीक है। काउंसलिंग फ़ी पे करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। पेमेंट एक ही बार करना है, देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने, हाँ, तो यहाँ से आपको क्या करनी है, पेमेंट करना है। उसके बाद अगर आप रीसेलेक्ट, अगर आप सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो आप रीसेलेक्ट सेंटर पे आप यहाँ करके आप चेंज कर सकते हैं। अब काउंसलिंग की अगर बात किया जाए तो इस पर काउंसलिंग फ़ी की, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, इस प्रकार के आपको इंटरफेस खुलेंगे, ठीक है, काउंसलिंग फ़ी के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, फ़ी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपका जो रहेगा, जो एडमिट कार्ड में है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप अपना मिला लीजिएगा। यहाँ पे 1000 की पेमेंट लग रही है, पेमेंट कितने की लग रही है, 1000 की। बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका नेम मिल जाएगा, जो भी आपका नाम रहेगा वो आपका नाम दिखाएगा। विलेज आपका जहाँ रहेगा, सिटी आपका जहाँ रहेगा वो दिखाएगा, ठीक है। आप किस स्टेट में है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, यहाँ भरना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ भरना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिलिंग कंट्री आ जाएगा, यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपका आ जाएगा और आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। जब ये सब चीज़ आपका सही रहेगा तब आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है, बताया गया है, कुछ गाइडलाइन इनकी है पेमेंट की, जो कि बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो नीमी ने पहले ही बताया है कि यदि आप भुगतान किया जा चुके हैं तो फिर मत कीजिएगा। यहाँ पे बताया ये गया, कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा, यह विवरण आपके यूजर डैशबोर्ड पर 48 घंटे अपने आप अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे बताया ये गया है कि अगर आप एक बार फीस पेमेंट कर दिए हैं तो आपको दोबारा फीस पेमेंट नहीं करनी है। अगर पेमेंट का ऑप्शन भी देता है तो भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि 48 घंटे बाद जो है अपडेट हो जाएगा। आगे इन्होंने बताया है, भुगतान के पंजीकरण के पश्चात पुष्टिकरण रसीद उम्मीदवार की पंजीयन ईमेल आईडी सीसी जो है वेन्यू में भेज दिया जाएगा। बताया ये गया है कि जब आप भुगतान कर दीजिएगा, फीस पेमेंट 1000 की आप कर दीजिएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी पे 1000 फीस पेमेंट का रिसिप्ट चला जाएगा, क्लियर है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला बताया गया है, यदि स्पष्टीकरण सफल प्रदर्शित नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान के स्पष्टीकरण ना होने की उम्मीदवार हमारी नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर फीस पेमेंट आप 1000 की कर देते हैं, अगर आपकी फ़ीस कट भी जाती है और अगर हमारे पास स्पष्ट नहीं हो पाता है या हमारे पास फीस नहीं पहुंचता है कुछ कारण से, तो ये आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी और ये माना जाएगा कि आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की है। इसलिए इसका जो फीस 1000 पेमेंट है ये निमी की ओर से सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, क्लियर है। अब यहाँ पे बताया है, भुगतान के बाद अपने ब्राउजर को तब तक बंद ना करें जब तक कि निमी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से रसीद तैयार ना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट किए हैं, तो पेमेंट करने के बाद आप क्या करना है, आपको आपके डैशबोर्ड पर 48 घंटे में अपडेट होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसका जो पोर्टल है ना उस पर रसीद तैयार होगा, निमी की जो पोर्टल है इस पर जो रसीद 1000 की है वो तैयार होगा, तभी आपको क्या करना है कि बैक जाना, ऐसे बैक आपको नहीं चला जाना, नहीं तो पेमेंट आपकी क्या हो जाएगी, अटक जाएगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि असफल की स्थिति में वह आपके डैशबोर्ड पर 48 घंटे में अपडेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से ही आपकी फ़ीस कट जाती है आपके अकाउंट से और निमी के पास अपडेट नहीं हो पाती है, तो आपको 48 घंटे इंतज़ार करना होगा, 48 घंटे बाद जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे, क्लियर है, आप वहाँ से चेक कर पाइएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है निमी की ओर से गाइडलाइन कर दी गई है, आप लोग अच्छे से काउंसलिंग करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अपडेट सब आपको मिलते रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।